आरोग्यंक में वायु मल मूत्र चृंभा अश्रु छींक, उदकार, वमन शुक्र इनके उपस्थित वेगों को रोकने से उदारवाद उत्पन्न होता है इसलिए इसको रोकना नहीं चाहिए आरोग्य में सहजन एक अमूल्य औषधि सहजन संपूर्ण भारत में पाया जाने वाला एक वृक्ष विशेष है इसके फली सब्जी के रूप में प्रयुक्त होती है इसे शोभांजन शीघ्र कृष्ण बीज ਸਜਨਾ ਸਾਜਨਾ ਸੁਰਜਨਾ ਸੁਲਜਨਾ ਸੇਜਨਾ ਸੈਂਜਨਾ ਸਰਗਨੋ ਸਰਗਵ ਸੈਕਟੋ ਸ਼ੇਵਗਾ ਮੂਆ ਮਰੁਗਾਈ ਬੜਾ ਡਿਸਿੰਗ ਮੂੰਗਾ ਚੇ ਝਾੜ ਸਰਾਗੂ ਮੁਰੰਗਾਈ ਵਿਦ ਤ੍ਰਿਧੇ ਨਾਸ਼ਨ स्त्री तथा इंडियन हॉर्स रेडिस के नाम से जाना जाता है आयुर्वेद के अनुसार इसका रस मधुर कटु तथा गुण पाचक अनुलोमक शुक्रवर्धक शुक्रकारक वातघ्न नेत्रशोधक कृमिघन वेदघन शोधहर वेदनाशात्मक गंडमाला वर्ण तथा नाशक है वैसे तो इसके सभी अंग उपयोग में लिए जाते हैं परंतु विशेष रूप से इसके नरम फली उदर एवं वात रोगों में पत्ती नेत्र रोग एवं रतौंधी में फूल उदर शूल निर्बलता काफवास्त आदि के रोगों में और मूल और छाल अंतर्विद्रवि घृसी दमा सूजन पत्थी जलोदर यकृत, तिल्ली शोथ गठिया अर्धांगवास आदि में प्रयुक्त किए जाते हैं सहजन के दो विशिष्ट अनुभूत प्रयोग हैं पहला है सहजन की छाल का सरस ताजा रस आधा छटांक अर्थात तीस मिलीलीटर शहद आधा चम्मच मकर ध्वज चौथारथी इन सभी को मिला करके साई प्रता खाली पेट लेने से अनेक वातज तथा कवज रोग एवं विद्रव भी नष्ट होती हैं इसका प्रयोग कम से कम पंद्रह दिन तक करना चाहिए यदि केसर पर इसका प्रयोग किया जाए तो लाभ की संभावना हो सकती है दूसरा है सहजन की जड़ के अंत छाल आधा पाव अर्थात 100 ग्राम को आधा शेर जल में एक या दो घंटे डाल करके अच्छी तरह मसल करके आंच पर रख दीजिए आठवां भाग शेष बचने पर अच्छी तरह मसल करके छान लीजिए उसमें अजवाइन चार रत्ती सौठ चार रत्ती हींग रत्ती डाल करके शीतल होने पर पिए इनकी घृदृशी मात्र तीन दिनों में तथा तो गठिया वात पक्षाघात अर्दांग अन्य वातज रोज पंद्रह दिनों में नष्ट हो सकते हैं इसका सेवन दोनों समय प्राय साए खाली पेट करना चाहिए उपयुक्त दोनों प्रयोगों में पथ्य तथा तो अपथ्य वात रोग अनुसार कराना चाहिए आरोग्यंक में स्वस्थ उपयोगी मेथी आहार में हरी सब्जियों का विशेष महत्व है आधुनिक विज्ञान के मत के अनुसार हरे पत्ते वाली सब्जियों में क्लोरोफिल नामक तत्व रहता है जो कीटाणुओं का नाशक है दांत एवं मसूड़ों में सड़न उत्पन्न करने वाले जंतुओं को ये क्लोरोफिल नष्ट करता है इसके अलावा इसमें प्रोटीन तत्व भी पाया जाता है हरी सब्जियों में लो तत्व भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो पांडु रोग रक्त तथा शारीरिक कमजोरी हो नष्ट करता है हरी सब्जियों में स्थित क्षार रक्त की अमलता को घटा करके इसका नियमन करता है हरी सब्जियों में मेथी की भाजी का प्रयोग भारत के प्राय सभी भागों में बहुलता से होता है इसे सुखा करके उपयोग में लिया जाता है इसके अलावा मेथी दानों का प्रयोग बघार के रूप में तथा कई औषधियों के रूप में किया जाता है वैसे तो मेथी प्राय हर समय उगाई जा सकती है फिर भी मार्ग शीश से फागुन महीने तक ज्यादा उगाई जाती है कोमल पत्तों वाली मेथी कड़वी कम होती है मेथी की भाजी तीखी कड़वी रोक्ष गर्म पित्तवर्धक अग्नि दीपक पचने में हल्की माँ को दूर करने वाली हृदय के लिए हित करके एम बल प्रद होती है सूखी मेथी के बीजों की अपेक्षा मेथी की भाजी कुछ ठंडी पाचन कतरी वायु की गति ठीक रखने वाली तथा परसुता स्त्रियों वायु दोष के रोगियों एम कफ के रोगियों के लिए अत्यंत हितकारी है यह बुखार अरुचि उल्टी खांसी वात रोग, वायु कफ बवासी कृमि तथा शैकज नाश करने वाली है मेथी पौष्टिक एवं रक्त को शुद्ध करने वाली है यह शूल वायुगोला संधिवात कमर के दर्द दूर शरीर के दर्द मधुपर में एवं निम्न रक्तचाप को मिटाने वाली है मेथी माता का दूध बढ़ाती है आम दोष को मिटाती है एवं शीर को स्वस्थ बनाती है औषधि प्रयोग पहला है कब्जियत कफ दोष में उत्पन्न कब्जियत में मेथी की रेशे वाली सब्जी रोज खाने से लाभ होता है दूसरा है ववासीर प्रतिदिन मेथी के सब्जी का सेवन करने से वायु कफ एवं ववासीर में लाभ होता है तीसरी है बहुमूत्रता जिसे एक घंटे में बार बार मूत्र त्याग के लिए जाना पड़ता हो अर्थात बहूमूत्रता का रोग हो उसे मेथी की भाजी के 100 मिलीलीटर रस में डेढ़ ग्राम कत्था तथा तो तीन ग्राम मिश्री मिलाकर के प्रतिदिन सेवन करना चाहिए इससे लाभ होता है चौथा है मधुपर में प्रतिदिन सुबह मेथी की भाजी का 100 ग्राम 100 मिलीलीटर रस पी जाएं। शक्कर की मात्रा ज़्यादा हो तो सुबह शाम दो बार रस पिए साथ ही भोजन में रोटी चावल एम चिकनी घी तेल युक्त तथा मीठी चीज़ों को छोड़ दें शीघ्र लाभ होगा पाँचा है निम्न रक्तचाप जिन्हें निम्न रक्तचाप की तकलीफ हो उन्हें मेथी की भाजी में अदरक गरम मसाला इत्यादि डाल करके सेवन करना लाभप्रद है क्रीमी बच्चों के पेट में क्रीमी हो जाने पर उन्हें भाजी का एक दो चम्मच रस रोज पिलाने में लाभ होता है सातवां हैं वायु का दर्द रोज़ हरी अथवा सूखी मेथी का सेवन करने से शरीर के अस्सी प्रकार के वायु रोगों में लाभ होता है आठवां है आम होने पर मेथी की भाजी में 50 मिलीलीटर रस में 6 ग्राम मिश्री डालकर पीने से लाभ होता है 5 ग्राम मेथी का पाउडर 100 ग्राम दही के साथ सेवन करने से भी लाभ होता है दही खट्टा नहीं होना चाहिए नवा है वायु के कारण होने वाले हाथ पैर के दर्द में मेथी के बीजों को घी में सेक करके उसका चूर्ण बनावें हम उसके लड्डू बना करके प्रतिदिन एक लड्डू का सेवन करने से लाभ होता है गर्मी में लू लगने पर मेथी की सूखी भाजी को ठंडे पानी में भिगोवें अच्छी प्रकार भीग जाने पर मसल करके लें हम उस पानी में शहद मिलाकर के एक बार पिलावें लू में लाभ होता है मेथी पाक शीत ऋतु में विभिन्न रोगों से बचने के लिए एवं शीत की पुष्टि के लिए मेथी पाक का प्रयोग किया जाता है विधि है मेथी एम सौ 325 325 ग्राम की मात्रा में लेकर के दोनों का कपड़ छान चूर्ण कर लें सवा पाँच लीटर दूध में सवा 300 ग्राम घी डालें उसमें ये चूर्ण मिला दें यह सब एक रस होकर के जब तक गाढ़ा ना हो जाए तब तक उसे पकावें इसके पश्चात उसमें ढाई किलो शक्कर डाल करके फिर से धीमी आंच पर पकावें अच्छी तरह पाक तैयार हो जाने पर नीचे उतार लें फिर उसमें लैंडी पीपर सौंठ पीपरा चित्रक चित्रकवाइन जीरा धनिया कलुंजी सौंफ जायफल दालचीनी एम मोथा ये सभी चालीस चालीस ग्राम एम काली मिर्च का साठ ग्राम चून डाल करके मिला दें शक्ति के अनुसार सुबह खाएं ये पाक बात, अन्य बात रोग विषम पांडु पांडुरोग पीलिया उन्माद अपस्माद परमेही वातरक्त अमलपित्त शिरो रोग रोग नेत्रोग प्रद्र रोग आदि सभी में लाभदायक है ये शीर के लिए पुष्टिकारक बालकारक एवं वीरवर्धक भी है अंक में पुनर्नमा पुनर्नमा साटी या विष खपरा के नाम से विख्यात ये वनस्पति वर्षा ऋतु में बहुतायत से पाई जाती है शीर की आंतरिक एवं बाह्य सूजन को दूर करने के लिए अत्यंत उपयोगी है यह तीन प्रकार की होती है सफेद लाल एम काली काली पुनर्नवा प्राय देखने में नहीं आती पुनर्नवा की सब्जी सूजन नाशक मूत्रल तथा स्वस्थवर्धक है पुनर्नवा कड़वी उष्ण तीखी कसैली रुच अग्निदीपक रोक्ष, मधुर खारी सारक मूत्रल एवं हृदय के लिए लाभदायक है ये पांडुरोग विस्तोष, एवं शूल का भी नाश करती है पुनर्नवा औषीय प्रयोग इस प्रकार से हैं पहला है नेत्रों की फूली पुनर्दवा की जड़ को घी में घिस करके नेत्र में लगाने से लाभ होता है दूसरा है नेत्रों की खुजली पुनर्दवा की जड़ को शहद अथवा दूध में घिस करके आंजने से लाभ होता है तीसरा है नेत्रों में पानी गिरना पुनर्नवा की जड़ को शहद में घिसकर के आंखों में लगाना लाभदायक है चौथा है रतौंदी पुनर्नवा की जड़ को कांजी में घिस करके आंखों में आंजन लाभकारी है पांचवा है खुनी वासी पुनर्नवा की जड़ को हल्की के हल्की के काढ़े में देने से लाभ होता है छठा है पीडिया पुनर्नवा के पंचांग को शायद एम मिश्री के साथ लें तथा तो उसका रासियाँ काढ़ा पिएँ सात अहम मस्तक रोग एवं जड़ रोग पुनर्वा के पंचांग का दो ग्राम चूरण दस ग्राम घी एम बीस ग्राम शहद में प्राय साएँ खाने से लाभ होता है आठवाँ है जलोदर पुनर्नवा की जड़ के चूर्ण को शहद के साथ खाने से लाभ होता है नवा है सूजन पुनर्नवा की जड़ का काढ़ा पीने एवं सूजन पर लेप करने से लाभ होता है दसवां है पत्थरी पुनर्नवा को दूध में उबाल करके सुबह शाम पीना चाहिए ग्यारहवा है विष चूहे का विष सफ़ेद पुनर्नवा मूल का दो दो ग्राम चूर्ण आधे ग्राम शहद के साथ दिन में दो बार लेने से लाभ होता है ख पागल कुत्ते का विष सफेद पुनर्नवा के मूल का रस 25 से 50 ग्राम 20 ग्राम भी घी में मिला करके रोज़ पिए है। बारवा है विधि अर्थात फोड़ा पुनर्नवा के मूल का काढ़ा पीने से कच्चा फोड़ा भी मिट जाता है तेरवा है अनिद्रा पुनर्वा के मूल का क्वात सौ मिलीलीटर दिन में दो बार पीने से निद्रा अच्छी आती है चौदवा है सन्निवाद संधिवाद पुनर्मा के पत्तों की भाजी सौठ डाल करके खाने से लाभ होता है पंद्रवा है विलंबित प्रसव मूड़ गर्भ थोड़ा तिल का तेल मिला के पुनर्नवा के मूल का रस जर्ण इंद्रियों में लगाने से रुका हुआ बच्चा तुरंत बाहर आ जाता है सोलवा है गैस पुनर्नवा के मूल का चूर्ण दो ग्राम हिंग आधा ग्राम तथा काला नमक एक ग्राम गर्म पानी से लें सत्रह है मूत्र अवरोध पुनर्नवा का चालीस मिलीलीटर रस अथवा उतना ही काढ़ा पिए पेड़ों पर पुनर्नवा के पत्ते बफा करके बांधें एक ग्राम पुनर्नवा अक्षार गरम पानी के साथ पीने से तुरंत फायदा होता है अठारह हैं खुनी मवा सिर पुनर्नवा के मूल को पीस करके फीकी छाछ 200 मिलीलीटर या बकरी के दूध 200 मिलीलीटर के साथ पिए उन्नीसवा है वृषण श्योत पुनर्नवा का मूल दूध में घिस करके लेप करने से वृषण की सूजन मिलती है बीसवा है हृदय रोग हृदय रोग के कारण सूजन हो जाए तो पुनर्नवा के मूल का दस ग्राम चूरन और अर्जुन के छाल का दस ग्राम चूर्ण तो सौ मिलीलीटर पानी में काढ़ा बना करके सुबह शाम पीना चाहिए इक्कीस है बोरंग मूल चूर्ण दस ग्राम और पुनर्नवा चूर्ण दस ग्राम को 200 मिलीलीटर पानी में उबाल करके काढ़ा पिए जब पचास मिलीलीटर बच जाए तब उसमें आधा ग्राम श्रृंग भसम डाल करके सुबह शाम पिए है। बाईसों हैं रसायन प्रयोग हमेशा स्वस्थ स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए रोज सुबह पुनर्नवा के मूल कप या पत्ते के दो चम्मच 10 मिलीलीटर रस पिए आरोग्यंक में सोयाबीन सोयाबीन एक ऐसा पुष्टिकारक है जिसमें प्रोटीन वसा शेजसार खनिज लवण, लोह विटामिन बी आदि पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं इसमें मिलने वाला प्रोटीन किसी भी आमिष निरामिष पदार्थों में पाए जाने वाले प्रोटीन से उन्नत किस्म का होता है यह प्रोटीन उच्च कोटि का होने के साथ ही 35-40 परसेंट तक पाया जाता है यह बालक वृद्ध तथा रोगी सभी के लिए हितकर है इससे कब्ज और गैस के रोग नहीं होते तथा बालकों का शारीरिक विकास होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम होती है इसके नियमित प्रयोग से बाल वीर की वृद्धि होती है शाकाहारियों को तो प्रकृति के इस अनमोल भेंट का अवश्य प्रयोग करना चाहिए इसमें अति गुणकारी तत्वों का अपेक्षा इसका मूल्य भी काफ़ी सस्ता है इसके दैनिक उपयोग की वो इस प्रकार से विधियां हैं पहला है सोयाबीन का आटा पानी में लगभग दस घंटे भिगो दें फिर सुखा करके चक्की में डाल करके आटा पिसवा लें इसके अत्यंत स्वादिष्ट रोटी बनती है स्वाद में गेहूं के आटे से कुछ अलग होती है इसके आटे से अनेक व्यंजन तैयार होते हैं गेहूं के आटे में मिला करके इससे रोटी पराठा हलवा आदि बनाते हैं इसके आटे को अधिक दिन तक नहीं रखा जा सकता दूसरा है सोयाबीन का दूध दही सोयाबीन को लगभग दस घंटे पानी में भिगो दें फिर इसे बारीक पीस करके समुचित मात्रा में पानी मिलावें तथा यह दूध जैसा हो जाए इसका स्वाद ठीक करने के लिए पीसते समय इसमें इस दो तीन छोटी इलायची मिला दें तथा दूध को आधे घंटे तक उबालें गुणकारी और पौष्टिक दूध तैयार हो गया इस दूध में जावन डाल करके दही भी जमाया जा सकता है तीसरा है सोयाबीन का तेल सरसों तथा मूंगफली की तरह सोयाबीन का भी तेल निकाला जाता है पौष्टिक होने के साथ ही अन्य खाद्य तेलों से अधिक सस्ता होता है वनस्पति या सरसों के तेल के स्थान पर इसका प्रयोग कर सकते हैं इसका तेल सिर में लगाने से बाल काले होते हैं सोयाबीन के तेल में कुछ बूंद नींबू का रस मिलाकर के लगाने से मुहासे ठीक हो जाते हैं चौथा है सोयाबीन की बड़ी सोयाबीन का तेल निकालने के बाद इसका जो छिलका बचता है उससे निर्मित बड़ी पौष्टिक होती है सब्जी दाल आदि में डाल करके इसका उपयोग मिलाते हैं सोयाबीन की चटनी भुगाए हुए सोयाबीन से अनुपात से नमक मिर्च इत्यादि डालकर के पीस लें स्वादिष्ट चटनी के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं छता है सोयाबीन की खली पक्षियों को इसकी खली खिलाने से दूध की मात्रा बढ़ जाती है बच्चों के लिए यह दूध बहुत गुणकारी होता है आरोग्य में दैनिक जीव में उपयोगी पुदीना पुदीना एक सुगंधित एवं उपयोगी औषधि है आयुर्वेद के मत के अनुसार यह स्वादिष्ट रुचिकर पचने में हल्का तीक्ष्ण तीखा कड़वा पाचनकर्ता और उल्टी मिटाने वाला हृदय को उत्तेजित करने वाला विकृत कफ को बाहर लाने वाला तथा गर्भाशय संकोचक एवं चित्त को प्रसन्न करने वाला जख्मों को भरने वाला और क्रीमी ज्वर विष अरुचि मंदाग्नि अफरा दस्त खांसी श्वास निम्न रक्तचाप मूत्र अल्पता त्वचा के दोष हैजा अजीर्ण सर्दी जुकाम आदि को मिटाने वाला है पुदीने में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसमें रोग प्रतिकारक शक्ति उत्पन्न करने की अद्भुत सामर्थ्य है एवं पाचक रसों को उत्पन्न करने की भी क्षमता है पुदीना में अजवाइन के सभी गुण पाए जाते हैं पुदीना के बीज में निकलने वाला तेल स्थानिक एनेस्थेटिक पीड़ानाशक एम जंतुनाशक होता है इसके तेल की सुगंध से मच्छर भाग जाते हैं विशेष पुदीना का ताज़ा रस लेने की मात्रा है पाँच से बीस ग्राम तथा इसके पत्तों के चूर्ण को लेने की मात्रा तीन से छः ग्राम काढ़ा लेने की मात्रा दस से चालीस ग्राम और अर्क लेने की मात्रा दस से चालीस ग्राम तथा बीज का तेल लेने की मात्रा आधी बूंद से तीन बूंद औस्थि के रूप में इसका प्रयोग पहला है मलेरिया पुदीना एम तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना करके सुबह शाम लेने से अथवा पुदीना एम अदरक का रस एक एक चम्मच सुबह शाम लेने से लाभ होता है वायु एम क्रीमी पुदीना के दो चम्मच रस में एक चुटकी काला नमक डाल करके पानी से गैस तथा वायु एम पेट के कृमि नष्ट हो जाती हैं तीसरा पुराना सर्दी जुकाम एम न्यूमोनिया पुदीना के रस की दो तीन बूंदें नाक में डालने एम पुदीना तथा अदरक के एक एक चम्मच रस में शायद मिला करके दिन में दो बार पीने से लाभ होता है चौथा है अनार तव अल्पार तव मासिक धर्म न आने पर या कम आने पर अथवा वायु एम कफ दोष के कारण बंद हो जाने पर पुदीना के काढ़े में गोड़ एम चुटकी भर हिंग डाल करके पीने से लाभ होता है इससे कमर की पीड़ा में भी आराम होता है पांचवा है आंत का दर्द अपच अजीर्ण अरुचि मंदाग्नि वायु तथा रोगों में पुदीना के रस में शहद डाल करके लें अथवा पुदीना का अर्क लें छठा है दात पुदीना के रस में नींबू मिला करके लगाने से दाद मिट जाती है सातवा है उल्टी दस्त हैजा पुदीना के रस में नींबू का रस अदरक का रस एम शायद मिला के पिला अथवा अर्क देने से ठीक हो जाता है आठवाँ है बिच्छू का दंश पुदीने का रस पुदीने का रस दंश वाले स्थान पर लगाएं एम उसके रस में मिश्री मिलाकर के पिलावें यह प्रयोग तमाम जहरीले जंतुओं के दंश के उपचार में काम आ सकता है नौ नौवा है हिस्टीरिया रोज़ पुदीना का रस निकाल करके उसे थोड़ा गर्म करके सुबह शाम नियमित रूप से देने पर लाभ होता है दसवां है मुख दुर्गंध पुदीना के रस में पानी मिला करके अथवा पुदीना के काढ़े का घूट मुंह में भर करके रखें फिर उगल दें इससे मुख दुर्गंध का नाश होता है आरोग्यंक में अत्यंत गुणकारी है मूली आज के युग में मनुष्य अस्पतालों तथा अंग्रेजी दवाइयों की दुनिया में इतना खो गया है कि उसे अपने आसपास बहुत आयस्थ में उत्पन्न होने वाली उन शाक सब्जियों की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता जब बिना किसी हानि के हमारी अनेक बीमारियों को निर्मूल करने में सक्षम है प्रकृति हमारे लिए ऋतु में इस प्रकार की शाक उदारता उदारतापूर्वक उत्पन्न करती है इन्हीं में एक विशेष उपयोगी वस्तु है मूली मूली में प्रोटीन कैल्शियम गंधक कायोडीन तथा लो तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं इनमें सोडियम फास्फोरस, क्लोरीन तथा मैग्नेशियम भी हैं मूली विटामिन ए का खजाना है विटामिन बी और सी भी इससे प्राप्त होते हैं हम जिसे मूली के रूप में जानते हैं वे धरती के नीचे पौधे की जड़ होती है धरती के ऊपर रहने वाले पत्ते मूली से भी अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं सामान्य था हम मूली को खा करके उसके पत्तों को फेंक देते हैं ये वह गलत है ऐसा नहीं करना चाहिए मूली के साथ ही उनके पत्तों का भी सेवन करना चाहिए मूली के पौधे में आने वाली फलियां, मोंगर भी समान रूप से उपयोगी और स्वस्थवर्धक हैं सामान्यतः लोग मोटी मूली पसंद करते हैं कारण उसका अधिक स्वादिष्ट होना है परंतु स्वास्थ्य तथा उपचार की दृष्टि से छोटी पतली और चरपरी मूली ही उपयोगी है ऐसी मूली त्रिदोष वात पित्त और कफ नाशक है इसके विपरीत मोटी और पक्की मूली त्रिदोष कारक मानी गई है उपयोगिता की दृष्टि से मूली बेजोड़ है अनेक छोटी बड़ी व्याधियां मूली से ठीक की जा सकती हैं मूली का रंग सफ़ेद है परंतु ये शेर की लालिमा प्रदान करती है भोजन के साथ या भोजन के बाद मूली खाना विशेष रूप से लाभदायक है, है। मूली और इसके पत्ते भोजन को ठीक प्रकार से पचाने में सहायता करते हैं वैसे तो मूली के पराठे, रायता तरकारी, अचार तथा भुजिया जैसे अनेक स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं परन्तु तो सबसे अधिक लाभदायक है कच्ची मूली भोजन के साथ प्रतिदिन एक मूली खा लेने से व्यक्ति अनेक बीमारियों से मुक्त हो जाता है मूली शीत से विषैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके जीवनदायी ऑक्सीजन एक, प्रदान करती है मूली हमारे दांतों को मजबूत करती है और हड्डियों को शक्ति प्रदान करती है इसके सेवन से व्यक्ति की थकान मिटती है और अच्छी नींद आती है मूली से पेट के कीड़े नष्ट होते हैं तथा यह पेट के घाव को ठीक करती है यह उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करती है तथा बवासीर और हृदय रोग को शांत करती है इसका ताज़ा रस पीने से मूत्र संबंधी रोगों में राहत मिलती है पीलिया रोग में भी मूली लाभ पहुंचाती है अफरे में मूली के पत्तों का रस विशेष रूप से उपयोगी होता है मनुष्य का मोटापा अनेक बीमारियों की जड़ है इससे बचने के लिए मूली बहुत लाभदायक है इसके रस में थोड़ा नमक और नींबू का रस मिला करके नियमित पीने से मोटापा कम होता है और शीर सुडोल बन जाता है पानी में मूली का रस मिला करके सिर धोने से जुए नष्ट हो जाती हैं विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होने से मूली का भी रस नेत्र की ज्योति बढ़ाने में भी सहायक होता है मूली का नियमित सेवन पौरुष में वृद्धि करता है गर्भपात की आशंका को समाप्त करता है और शीर के जोड़ों की जकड़न को दूर करता है मूली वर्धक भी है इसके प्रतिदिन सेवन से रंग निखरता है खुश्की दूर होती है रक्त शुद्ध होता है और चेहरे की झाइया कील तथा मुहासे आदि साफ होते हैं नींबू के रस में मूली का रस मिला करके चेहरे पर लगाने से चेहरे का सौंदर्य निखरता है सर्दी ज़ुकाम तथा कफ खांसी में भी मूली फायदा पहुंचाती है इन रोगों में मूली के बीज का चूर्ण विशेष लाभदायक होता है मूली के बीजों को उसके पत्तों के रस के साथ पीस करके यदि लेप किया जाए तो अनेक बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है मूली के रस में तिल्ली का तेल मिला के उसे हल्का गर्म करके कान में डालने से कर ना, नाद कान का दर्द तथा कान की खुजली ठीक होती है मूली के पत्ते चबाने से हिचकी बंद हो जाती है मूली के सेवन से, से अन्य अनेक रोगों में भी लाभ मिलता है जैसे पहला है मूली और इसके पत्ते तथा जिमीकंद के कुछ टुकड़े एक सप्ताह तक कांजी में डाले रखने तथा इसके बाद उसके सेवन से बड़ी हुई तिल्ली ठीक होती है और बवासीर का रोग नष्ट हो जाता है हल्दी के साथ मूली खाने से भी, भी वबाशीन में लाभ होता है दूसरा है मूली के पत्तों के चार तोले रस में तीन माशा अजमोद का चूर्ण और चार अधी जो खार जो खार मिला करके दिन में दो बार निमित एक सप्ताह तक लेने पर गुर्दे की पत्थरी गल जाती है तीसरा है एक कप मूली के रस में एक चम्मच अदरक का और एक चम्मच नींबू का रस मिला करके के नियमित रूप से करने से भूख बढ़ती है और पेट संबंधी सभी रोग नष्ट हो जाते हैं चौथा है, है मूली के रस में समान मात्रा में अनार का रस मिलाकर पीने से रक्त में होम्योग्लोबिन बढ़ता है और रक्त अल्पता का रोग दूर हो जाता है पांचवा है सूखी मूली का काढ़ा बना करके उसमें जीरा और नमक डाल करके पीने से खांसी और दमा में राहत मिलती है अंक में गाजर गाजर के उसके प्रातिक रूप में ही अर्थात कच्चा खाने से ज़्यादा लाभ होता है उसके भीतर का पीला भाग नहीं खाना चाहिए क्योंकि वह अत्यधिक गर्म होता है अतः पित्तोष दोष एवं छाती में दा उत्पन्न करता है गाजर स्वाद में मधुर कसैली कड़वी तीक्ष्ण स्निग्ध उष्वेद्य गर्म दस्त को बांधने वाली मूत्रल हृदय के लिए हितकारी रक्त को शुद्ध करने वाली कफ निकालने वाली वाद दोषनाशक पुष्टिवर्धक तथा दिमाग एवं नस नाड़ियों के लिए बलप्रद है ये अफरा पेट के रोगों सूजन खांसी पत्थरी मुद्रदा मुद्राता तथा दुर्बलता का नाश करने वाली है गाजर के बीज गर्म होते हैं अतः गर्भवती महिलाओं को उसका उपयोग नहीं करना चाहिए बीज पचने में भारी होते हैं कैल्शियम एम कैरेटोन की प्रचुर मात्रा होने के कारण छोटे बच्चों के लिए ये एक उत्तम आहार है गाजर में आंतों के हानिकारक जंतुओं को नष्ट करने का अद्भुत गुण है इसमें विटामिन ए भी काफी मात्रा में पाया जाता है अतः नेत्र रोग में भी लाभदायक है गाजर रक्त शुद्ध करने वाली है 10 10-15 दिन केवल गाजर के रस पर रहने से रक्त विकार गांठ सूजन एवं पांडु रोग जैसे त्वचा तो के रोगों में लाभ होता है इसमें लो तत्व भी प्रचुरता से पाया जाता है खूब चबा चबा कर खाने से दांत मजबूत स्वच्छ और चमकीले होते हैं तथा मसूड़े मजबूत होते हैं विशेष गाजर के भीतर एक पीला भाग खाने से चैदा गाजर खाने के बाद 30 मिनट के अंदर पानी पीने से खांसी आने लगती है अत्यधिक गाजर खाने से पेट में दर्द होता है ऐसे समय में थोड़ा गुड़ खाएं प्रकृति के लोगों की गाजर का सावधानी पूर्वक उपयोग करना चाहिए औषधि प्रयोग दिमागी कमजोरी गाजर के रस का नित्य सेवन करने से दिमागी कमजोरी दूर होती है दस्त गाजर का सूप दस्त होने पर लाभदायक होता है सूजन इसके रोगी को सब आहार त्याग करके केवल गाजर का रस अथवा उबली हुई गाजर पर रहने से लाभ होता है मासिक न दिखने पर या कष्ट आतव मासिक कम आने पर या समय से ना आने पर गाजर के पाँच ग्राम बीजों का बीस ग्राम गुड़ के साथ काढ़ा बनाकर लेने से लाभ होता है पुराने घाव घागर गाजर को उबाल करके उसकी पुल्टी बना करके घा पर लगाने से लाभ होता है खाज गाजर को कद्दू कस करने के आ, करके अथवा बारीक पीस करके उसमें थोड़ा नमक मिलाने और गरम करके खाज पर रोज बांधने से लाभ होता है आधा सीसी गाजर के पत्तों पर दोनों ओर शुद्ध घी लगा करके उन्हें गर्म करें फिर उनका रस निकाल करके दो तीन बूंदे कान एवं नाक में डाले इससे आधा दिखी का दर्द मिटता है गाजर के रस की चार छ बूंदे दोनों नथनों में डालने से लाभ होता है नेत्र रोग दृष्टि रत्तों धीप पड़ते समय आंखों में तकलीफ होना तथा रोगी में रोगों में कच्ची गाजर या उसके रस का सेवन लाभप्रद है यह प्रयोग चश्मे का नंबर घटा सकता है पाचन संबंधी गड़बड़ी अरुचि मंदग्नी अपच आदि रोगों में गाजर के रस से नमक रस में नमक धनिया जीरा काली मिर्च नींबू का रस डाल करके पिए अथवा गाजर का सूप बना करके पीने से लाभ होता है पेशाब की तकलीफ गाजर का रस पीने से पेशाब आता है रक्त शर्करा भी कम होती है गाजर का हलवा खाने से पेशाब में कैल्शियम फास्फोरस का आना बंद हो जाता है नक्सीर फूटना ताजे गाजर का रस अथवा उसकी लुगदी सिर पर एम लड़ाट पर लगाने से लाभ होता है जलने पर जलने से होने वाले दाम में प्रभावित अंग पर बार बार गाजर का रस लगाने से लाभ होता है जलने पर जलने से होने वाले दाम में प्रभावित अंग पर बार बार गाजर का रस लगाने से लाभ होता है हृदय रोग हृदय की कमजोरी अथवा धड़कने बढ़ जाने पर लाल गाजर को भून लें या उबालें फिर उसे रात भर के लिए खुले आकाश में रख दें सुबह उसमें मिश्री तथा केवड़े या गुलाब का अर्घ मिला करके रोगी को देने से अथवा दो तीन बार कच्ची गाजर का रस में पिलाने से लाभ होता है प्रसव बीड़ा यदि प्रसव के समय स्त्री को अत्यंत कस्टोरा हो तो गाजर के बीजों के काढ़े में एक वर्ष का पुराना गुड़ डाल करके गरम-गरम पिलाने से प्रसव जल्दी होता है